मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत वल्लभा परिसर में मंत्री उषा ठाकुर और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न पंचायतों के सचिवों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना रोकथाम के लिए अपने अपने विचार साझा किए। देखिए यह रिपोर्ट। बैठक के दौरान विभिन्न ग्राम के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ ग्रामीणों ने मंत्री और अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही कई समस्याओं से भी अवगत कराया। साथ ही बैठक में ट्रेडिशनल चिकित्सा को भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि सबको मन से इस भय को भगाना होगा कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है। यदि प्रारंभ होते ही इसका इलाज हो तो इसे ठीक किया जा सकता है। जी, जो अनजान भय से नागरिक ग्रस्त है, उस भय से उन्हें मुक्त करना होगा और उसमें जनप्रतिनिधियों के और विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न समाजों के प्रमुखों की क्या भूमिका होना चाहिए, इस बात को लेकर आज एक बैठक आहूत की थी। और इसी उद्देश्य से कि आइए हम सब मिलके सबके मन से ये भय भगाएं, ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। प्रारंभ होते ही यदि आप इसके इलाज में जुट जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। जी ऐसे नहीं है। यदि घरों में पर्याप्त स्थान है तो वो घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, पर यदि घर छोटा है, एक कमरे का है, 5-6 लोग परिवार में हैं, तो उनको ये जो ट्रिपल सी बनाया है कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर ले जाके समुचित प्रबंध है, वहाँ उनको विधिवत भोजन, दवा, सब समय पर योगा, हर प्रकार का ऐसा वातावरण कि वो शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त करें, इसकी चिंता सरकार करे। तो यही जनजागरण जो समितियां बना रहे हैं सभी को लेकर के, प्रशासन की टोली, भारतीय जनता पार्टी की टोली, अन्य राजनीतिक दलों के लोग, और जो प्रशासन के 6 लोग हमने नियुक्त किए हैं नीचे पंचायत स्तर पर, उन सबको जागृति में लगाएंगे। और किल कोरोना अभियान जो घर घर जाके चिन्हित करना है कि कोई सर्दी खांसी वाला बुखार वाला तो नहीं है, इस प्रकार का सघन अभियान चलाएंगे। और मेरा गांव, मेरी पंचायत कोरोना मुक्त, इस अभियान में अपना सर्वस्व लगाएंगे। महू SDM अभिलाष मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कोविड सेंटर के साथ ही आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में इस महामारी से बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में अपने 73 ग्राम पंचायतों में और 2 नगर पंचायत में के मान से हर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्रों में 75 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इन सभी कोविड केयर सेंटर के लिए ड्यूटी ऑर्डर निकाले जा चुके हैं, जिसमें राउंड द क्लॉक कोई ना कोई कर्मचारी पदस्थ है जो कोविड केयर सेंटर का संचालन करेगा। और इसके साथ दिन में व्यवस्था की गई है कि ANM 2 बार जाके उनके ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर पाए और उनको दवाई वगैरह जो देनी है वो दी जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक स्तर पर जैसे ही कोरोना की जांच होती है और या संभावित मरीज है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के अलग एक जगह पे आ जाए, ताकि बाकी परिवार और समाज जो है वो संक्रमित होने से बच जाए। इसी के सहयोग को, इसी को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के मोटिवेशन के लिए और जनता कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के लिए ये आज की बैठक का आयोजन भी किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन कोविड सेंटर्स के अतिरिक्त, एक थोड़ा इससे बड़ा कोविड केयर सेंटर जो है वो कहेंगे हम TE कोविड केयर सेंटर है, जो मरीज हल्का सा थोड़े में जिसके हल्के लक्षण रहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टाफ है और अच्छे से मैनेज हो सकता है, वहाँ डॉक्टर्स भी बैठते हैं प्राइवेट, तो उनकी व्यवस्था की गई है TE कोविड केयर सेंटर में। और इससे भी बड़ा जहाँ पे इंजेक्टेबल लग जाता है, जहाँ पे और भी अच्छे लेवल का इलाज हो जाता है, जहाँ पे अभी कुछ दिनों में ऑक्सीजन की भी सुविधा हो जाएगी, राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर स्थापित है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल के कोविड केयर सेंटर है, ग्राम पंचायत में बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे जो इलाज हो जाए ऐसा कोविड केयर सेंटर, इसके उससे थोड़ा आधुनिक TE वाला कोविड केयर सेंटर, जहाँ थोड़ा सा मरीज और जिसको आवश्यकता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की वहाँ भेजा जाए, और इससे एडवांस जो सबसे एडवांस जिले का, जो कि पूरे इस वक्त पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर संभावित यहाँ पे कल से ब्लॉक लेवल पे भी चालू हो जाएगा। उसमें कुछ वैक्सीन जो आ रही हैं, क्योंकि इंदौर में संक्रमण ज़्यादा है तो इंदौर में चालू कर दिया है, तो उसको वहाँ प्राथमिकता मिली है। जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता और होगी तो महू में भी आना चालू हो जाएगा और हम भी यहाँ टीकाकरण शुरुआत कर देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, महू।